Assalamu alaikum. My name is Farzana Kausar. I work as a data entry on Fiverr and online, earning online successfully. So today I'm with you from Brantford, Ontario, Canada. Answer your question. Answer your question about online earning every Monday 12 a.m. Assalamu alaikum. My name is Farzana Kausar. I work. Sorry. Answer your question online earning every Monday 12 a.m. Pakistani time and Eastern 3 p.m. Before I start, share which city you from watching and you are joining me today. Even if you are watching us as a replay, please join the conversation by writing your city. I will be acknowledging you soon. By the way, if you have any question, please post here. I will be reading and try to answer your as many as I can today. Otherwise, make us in the next week. Please be nice with me. So, okay. अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज आज करें. आज सब कुछ सबसे पहले मैं सबको कर दूं हैप्पी मदर्स डे टुडे. तो एवरीबॉडी से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लाइक सबकी पोस्ट आ रही है, विशेज आ रही है विश करने का. तो मैंने कहा तो लाइव ही सबका थैंक यू कर दूं. लाइव थैंक यू कर दो. देखो सारे अप्रिशिएट का मैसेज भेजते तो अच्छा फील होता है. तो जो अपनी डेली लाइफ रूटीन है उसमें सबको कहती हूँ कि उसमें भी ऐसे ही अप्रिशिएट करना पड़ता है तो फिर आप होते मोटिवेट होते हो. तो एज अ लाइक फ्रीलांसिंग मैंने भी टू ईयर ऑलमोस्ट थ्री ईयर होने वाले हैं मैंने स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले मैंने जीएससी की से ट्रेनिंग ली थी, फिर उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो फिर मेरे पैसे बने होंगे. उससे पहले जब मैं काम करती थी तो लाइक पैसे लेके सेंड में बनते थे प्रॉपर. जैसे आपके माइंड में बहुत आप क्वेश्चन करते हो लेकिन आप काम करते हो. तो मैं भी वैसे ही करती थी लेकिन जब से फिर मैंने ये जब ट्रेनिंग लेके मैंने काम करना शुरू किया है तो जो मेरा ऑल क्वेश्चन आंसर में चेंज हो गए कि आई कैन डू इट. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. सारे मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आता है कि माय इंग्लिश इज पुअर ना, तो आपकी अच्छी है. ऐसा नहीं है, आपकी थिंक एवरी थिंग इज हेयर. अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ से अप्रिशिएट होने से तो आप लोग भी कर सकते हो. तो जो मुझे फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं तो प्लीज आपके कोई क्वेश्चन अबाउट फ्रीलांसिंग के बारे में आप आस्क करें ताकि आप भी फ्रीलांसिंग कर सकें. जो ऑलरेडी फ्रेंड करना चाह रहे हैं आपके क्वेश्चन करने से वो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकें. तो सारे मुझे पूछते हैं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है. ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि जब हम एवरीथिंग डेली रूटीन में काम करते हैं तो हमें चाहिए तो हमें कोई सुपरवाइज करें. सभी डेमकॉट, सॉरी अगर मैं किसी के नाम से इन्हें स्पेल करूं, मैं माजर चाहती हूँ. सभी इस्लाम वालेकुम सलाम. अगर आपके क्वेश्चन है फ्रीलांस के बारे में तो आप आस्क कर सकते हैं. आसम मोहम्मद हेलो. तो अगर आपका भी क्वेश्चन है अबाउट फ्रीलांसिंग बारे में आप आस्क कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग कर सके. तो जैसे मैं बता रही थी कि हम कहते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरी है, हमें कोई वैसी बता दे हमें जल्दी ही काम करना शुरू कर दे. इसमें ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आपके पास स्किल ऑलरेडी है तो आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है. अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी सेल कम हो रही है तो उसमें सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रेनिंग लें. जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके ट्रेनिंग लेने से आपके आंसर में चेंज हो जाएगा तो आप फ्रीलांसिंग उसमें कर सकते हैं. तो ये है मोहम्मद अब्दुल्ला रहमान सलाम. आई एम न्यू, हाउ कैन आई अर्न. सो थैंक यू
अब्दुल्ला रहमान, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सिंपल है कि आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल होना चाहिए. तो आप इसमें ट्रेनिंग लें meetsdeek.com/start. इसमें है अनटीचेबल कोर्स. अनटीचेबल कोर्स आप कंप्लीट करें. अनटीचेबल कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर इसका फाइवर का है स्कॉलरशिप का, तो आप वो करें. जो आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हाफ हुई है तो आप काम करना शुरू कर देंगे. जब आपका और भी क्वेश्चन होंगे तो आप ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट 100% नहीं करेंगे तो आपको जो इससे कम सीखेंगे आप. तो मैं सबसे ये क्वेश्चन करूंगी, प्लीज आप ना क्या कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा है, कि उर्दू में मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकती तो मुझे थोड़ी सी जो रोमन उर्दू होती है मुझे थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना ही नहीं आती, तो मैं उसका फिर जवाब नहीं अच्छे दे सकती. तो मैं जो ये ट्रेनिंग साइट देखिए meetsdeek.com/start, इसमें ये है कि आपको बताते हैं सोशल मीडिया में काम कैसे करते हैं, सोशल मीडिया में काम कैसे ले सकते हैं, अपनी जो प्रोफाइल बनाते हैं वो अपडेट कैसे होनी चाहिए. जब आप काम करते हैं, जब आप लोग काम करते हैं तो उसमें ऑर्डर आपको ज्यादा मतलब कि सॉरी जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया की साइट लगाई होती है, एक जोक लगाए होते हैं, ऐसी चीजें उसमें. जब प्रोफेशनल जो काम करते हैं उसकी साइट पे ऐसे नहीं होता. तो आप जब इसमें ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा. फहद असलम कौकर, मैं फरजाना, हाउ डू यू कैलकुलेट द प्राइस एंड ऑर्डर इन द डाटा एंट्री. सो थैंक यू फहद असलम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. उसमें जो उसकी स्टार्ट पे से थी $5 होती है, तो उसमें मैंने लाइक उसको मैंने कहा हुआ कि मैंने जो 200 रो आप सर्च करके दूंगी तो अप टू $5 स्टार्ट है, अप टू दे दे. अगर मोर देन, क्योंकि डाटा एंट्री में काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, तो डाटा एंट्री में काम ज्यादा करना पड़ता है तो उसकी रेंज स्टार्ट कम होती है. लेकिन ये कि आप फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि काम कैसे करते हैं, फिर आप और भी स्किल आप ग्रेड कर सकते हैं. तो मोहम्मद सिद्दीक, डाटा एंट्री एग्जांपल, ये यूट्यूब पे वीडियो है, इसमें है कि आप काम कैसे करते हैं, ये कि डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा एंट्री क्या होता है, तो आप उसमें देख सकते हैं. तो सबको मैं इजी एग्जांपल देती हूँ. उसमें सेल फोन पे आप जो कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उस पे आपके कॉन्टैक्ट फॉरएवर भी सेव हो जाएंगे और आपको डाटा एंट्री भी करना आ जाएगा. क्योंकि मोस्टली लोगों के पास सेल फोन होता है तो वो सिम में सेव कर देते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर जब सिम पावर ऑफ हो गया फिर एनी रीजन से वो कहते हैं कि हमसे कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया उसका. तो मैं सेव करती हूँ कि जब आप कॉन्टैक्ट होते हैं तो कॉन्टैक्ट से ऊपर वो उसका ईमेल आपने शो करना होता है. तो जब आपने ईमेल शो करना होता है, इसमें फोन में देख लेती हूँ, तो ईमेल आपने शो करना होता है, आज मैं फोन में दिखा देती हूँ. तो ये डिवाइस है मेरी, पता नहीं इसमें आ रहा है. तो इसमें मेरी ऑप्शन आ रही है कि आपने डिवाइस में करना है, सिम में करना है या गूगल में करना है. तो जब आप इसमें ईमेल में करेंगे तो जो भी कॉन्टैक्ट सेव करेंगे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, उसका फोन नंबर है, ईमेल है, जितने भी है आप उसको सेव कर लें, तो मेक श्योर कि उसका फर्स्ट नेम करेक्ट हो. क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने उस पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं, अगर फर्स्ट या लास्ट नेम आपने अपने इमेजिनेशन में आपने किया हुआ है, इमेजिनेशन में आपने किया हुआ है, तो वो आप जब फ्यूचर में उसका ईमेल सेंड करेंगे तो जो फर्स्ट लास्ट नेम सेव किया उसी नाम से जाएगा. तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये मेरी मिस्टेक है, तो वो कैसे उसको वो करूँ क्लैक ना. तो कैसे कैसे उसको करो, तो फिर आप उसमें क्रैक सेव करेंगे, आप उसका नेम स्पेलिंग में हो जाता है, आप गूगल में सर्च कर लें तो उसके नेम स्पेलिंग लेके वहां से कॉपी पेस्ट कर दें. तो डाटा एंट्री में भी काम कॉपी पेस्ट ही होता है, आपने गूगल शीट में सर्च करना होता है
जो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपने उसको एक्सेल में सेव करना होता है. कंट्रोल सी से आप कॉपी करें, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करें. तो जब आप अपने कॉन्टैक्ट सारे सेव भी करेंगे, आप सारे सेव करेंगे, आपके फोन नंबर कभी भी लॉस नहीं होंगे, और आपको डाटा एंट्री भी करना आ जाएगा अच्छे तरीके से. समरा सैयद, हेलो सर सिद्दीक, थैंक यू. मेरा नाम फरजाना कौसर है, मैं सिद्दीक की सिस्टर हूँ. तो फहद असलम कौकर, शुड वी मेक द गिग विजिटर सिस्टम टू ऑफर सर्विस ऑफ डाटा एंट्री? यस, हाँ, आप विजिटर सिस्टम भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, तो उसमें जो आपके टैग के कीवर्ड होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चूज कर लें. लाइक जो आप टैग विजिटर सिस्टम बिजनेस में आप और भी चूज कर लें. अगर आपको विशेष सिस्टम में ऑर्डर नहीं आ रहे, तो जो बिजनेस में और भी कैटेगरी है, तो आप उसको एवरी वीक चेंज करते रहें. जब आप चेंज करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा सर्च किस में आ रही है. तो क्या कहते हैं, सॉरी, मैं सब कुछ डाटा की तारीफ है, सारे इसमें सेव करते हैं, आपका डाटा भी सेव होंगे, तो आपको एक्सक्यूज भी नहीं होगी कि डाटा एंट्री क्या होता है, उसको कैसे करते हैं. तो अगर अभी और भी क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के बारे में, तो प्लीज आप आस्क करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें. तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप कहते हैं हम थिंक कर रहे हैं, हम तो अभी तक सारे थिंक कर रहे हैं, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि अपनी प्रोफाइल पे शेयर किसने किया है. तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड सीख सकें, अपने बेस्ट फ्रेंड को टैग करें, ताकि वो भी सीख सके, क्योंकि आप अकेले ही सीख रहे हैं. तो अकेले ही सीख रहे हैं, तो आपको अपने फ्रेंड सीख सके. आई थिंक तो ये फहद असलम कोकर है, आई थिंक ये फेसबुक लाइव करते हैं, मैं इनको भी समटाइम फॉलो करती होती हूँ, अशरफ चौधरी के पेज पे. मे बी मैं राइट हूँ या रॉन्ग, मैं गेस कर रही हूँ. तो क्योंकि जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो अपना जो फीमेल होती हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं कि हमें फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर लगानी पड़ेगी, हमें लाइक लाइव आना पड़ेगा. उसके ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने स्किल को यूज करें. आपके जो जो फीमेल होती है, उसके अपने पिक्चर पे डिफरेंट पिक्चर लगा लें. एक जो प्रोफेशन होती है लोगों की, वो ऑल मीडिया भी यूज कर सकते हैं, तो फिर लोग आपको उसके नाम से वाच करते हैं. लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नाम अपना सही रखें, क्योंकि नाम अपना सही रखेंगे तो लोग आप उसको पहचानेंगे. तो अभी रिसेंटली लाइक मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली ने किसी ने अपना नेम चेंज किया हुआ था, तो एवरी मेरी प्रोफाइल पर लाइक करती थी, तो मैं होती थी कि ये कौन है कि जो एवरी टाइम लाइक कर रही है. तो उसको उसने लगा कि मुझे उसका पता होगा कि उसका नेम रॉन्ग था. तो जब उसने अपना सही नेम रखा, तो फिर मुझे पता चला कि ये वो है. तो जरूरी नहीं कि आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ये बेशक आपके जानने वाला है, जो आपके कोलीग्स है, जो आपका है, तो आपके नेम रॉन्ग वजह से आपको पहचान ले. इवन आप उसको जान रहे होते हैं, लेकिन आप जब तक सही नेम नहीं होगा, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा. तो आप नेम लेडी सही रखें, तो उसका जो लोगो होता है वो एक सिलेक्ट कर ले, जो प्रोफेशन तरीके से होता है. तो जब फिर आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें, इसमें आप ट्रेनिंग लें, तो प्लीज आप अपने प्रोफाइल पे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड सीख सके. फहद असलम कोकर, इज एग्जैक्टली इनफ टू ऑफरिंग डाटा एंट्री और यूज एन अदर सॉफ्टवेयर एज वेल? एंड यस, आई एम फ्रॉम सेम फहद असलम कोकर हु इज वर्क विद अशरफ चौधरी. आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू your service for community. Thank you so much. Appreciate करने का हम एक दूसरे से सीखते हैं. तो क्योंकि यस, मैं उसमें सॉफ्टवेयर नहीं यूज करती. अगर ये कि जब आप इनफ ऑर्डर कर लेते हो डाटा एंट्री का डिफरेंट डिफरेंट से, अगर आपको स्पीड चेंज करनी होती हो, तो आप यूट्यूब में देख लें कि जो मैंने जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है, मैंने एक काल में यूज किया हुआ है, तो जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड है कि जो
फर्स्ट ए कॉलम में आए और बी बी में लास्ट नेम आए, तो आपने 100 नेम सेव किए हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि नेम को सेपरेट कैसे करना है, तो वो आप लगे यूट्यूब से वीडियो देख लें तो उसमें आपको वो स्केल आ जाते हैं। वैसे स्पेशल मैं सॉफ्टवेयर नहीं यूज करती क्योंकि मोस्टली सर्च का ही होता है कि आप कंट्रोल सी करें और कंट्रोल उसमें बी से आप पेस्ट कर दें स्पीड में ना, या आपको किसी ने टास्क दिया हुआ है तो समझा मैं करती होती हूँ कि उसने टास्क पर्सन की इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैं उसके एक दफा कॉपी कर लेती हूँ उसका, मैंने एक कॉलम में मैंने पेस्ट कर देती हूँ, तो फिर जो बी सी डी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बी में लिखा फर्स्ट नेम है, सी में लास्ट नेम है, डी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो मैंने एक काल में सेव किया था वहां से मैं कॉपी करती हूँ तो उसमें पेस्ट करती रहती हूँ, उसमें मैं पेस्ट करती रहती हूँ, फिर जब मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं जो एक काल मेरे लिए एक्स्ट्रा शीट होती है तो एंड में उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं इससे ज्यादा वो मैं नहीं करती, तो क्योंकि जब आप काम करते हो तो उसमें आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, फिर आप फास्ट सीखते हो, तो ये कि आप अपने जो काम आपको ज्यादा मिल जाता है अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, जैसे आपका काम ज्यादा हो गया किसी फ्रेंड के आपसे स्पीड अच्छी है तो आप हमेशा अपना काम दूसरे से शेयर करें, क्योंकि किसी का आइडिया एवरी टाइम डिफरेंट होता है तो आप उसे सीख सकते हैं, तो जैसे मैं ज्यादा काम करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ, तो वो क्योंकि जो बेसिक काम होता है वो सबको आता है ना, बेसिक जो कंप्यूटर यूज करना आता है वो सबको आता है, तो मैं हस्बैंड से शेयर करती हूँ, मैं बच्चों से अपने बच्चों से ही करवाती हूँ, लेकिन मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं काम छोड़ के ऊपर नीचे हो जाऊँ, नहीं मैं बैठे सुपरवाइज कर रही हूँ, लेकिन जो काम होता है आप इसमें आप शेयर करते हैं डिस्कस करते हैं तो आपको स्किल हो जाते हैं, तो प्लीज अपने प्रोफाइल पे शेयर करें ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं तो अपने प्रोफाइल पे शेयर करेंगे तो और भी फ्रेंड सीख सकते हैं, तो क्योंकि शो आप लोगों का है तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो फिर आप करेंगे, क्योंकि सबको ये कह रहे हैं कि जब meetsdeek.com/start से आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे तो आप कम सीखेंगे, तो अगर आप अपनी शेयर इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं इसलिए बताती हूँ कि आप उसमें लें तो आप खुद के बॉस होंगे और आपके इसकी जो चीज मिसिंग होती है आपको इनविटेशन आती रहती है, तो आप उसमें सीखते रहते हैं, आप उसमें सीखते रहते हैं कि मुझसे क्या चीज की मिस हो गई जो मैं नहीं कर सकी, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबको मैं थैंक यू करना चाहूंगी, लेकिन मैं सबको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि जैसे मैंने प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल सीखी है तो वैसे मुझे उनकी नजर नहीं आती, तो इसलिए मैं उनको ऐड नहीं करती, और अगर मैं सबको ऐड कर भी लेती हूँ तो उसमें मुझे इनबॉक्स में मुझे लाइक बग करते हैं, लाइक कॉल आ रही है, हेलो के मैसेज आ रहे हैं, जो डिफरेंट कोई वीडियो आ रही है तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको मैं रिस्पॉन्स करूँ, अगर मैंने देख लिया मतलब ये नहीं है कि मैं उस टाइम फ्री हूँ तो उनको मैं रिस्पॉन्स करूँ, तो प्लीज मैं सबको ये कहूँगी आप किसी भी जब फ्रेंड क्वेश्चन भेजते हैं तो उनको सीखें कि प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन होता है आप वो उसको सेंड करें ताकि आप उसका रिस्पॉन्स कर सकें, अगर आप उसको कहेंगे कि ये मुझे मैंने लाइव देखा था तो मैंने उसको भेज दिया, जब मैं किसी ने रेफरेंस किया था तो उसने मुझे कर दिया है, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप खुद दूसरे में वैसे थिंक करना तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर ना होगा तो आपको मैं आपके ज्यादा किसी की हेल्प नहीं कर सकती, मैं सबको ये कहूंगी अगर मजीद किसी के क्वेश्चन है तो जी आई सी फाउंडेशन ऑफिशियल पेज है, आप उसमें भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी मुझे टैग कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप से मैं सबको वॉच कर रही होती हूँ कि वो क्या सीख रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, तो उसकी हेल्प कर सकते, हालांकि उसमें सबने देखा होगा मेरी भी इंग्लिश पुअर है, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं किसी को मैसेज सेंड नहीं करती थी तो मेरा फेयर होता था, मुझे लगता था मैं लिख नहीं सकती, लेकिन ये कि मैंने जब पढ़ सकती थी लेकिन लिख नहीं सकती थी, लेकिन मेरे माइंड में जो भी था उसको मैंने इसी ट्रेनिंग से ही मैंने सीखा था,
तो जब आप फ्रीलांस में काम करते हैं, क्वेश्चन करने के बेसिक के क्वेश्चन होते हैं, तो वो फाइबर का साइड है उसमें क्विक रिस्पॉन्स भी आप जो दो चार बेसिक क्वेश्चन होते हैं आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, आप उसमें क्विक रिस्पॉन्स में सेव कर सकते हैं। तो जब क्लाइंट की कोई भी ऑफर आती है तो आप उसको क्विक रिस्पॉन्स करें, तो आप उसे फिर नेक्स्ट काम की बात करेंगे तो आप उसे ज्यादा पूछेंगे नहीं, तो आप काम कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको वन टाइम मिस्टेक होगी, दो टू टाइम मिस्टेक होगी, थर्ड टाइम आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अगर दूसरा मैं इसमें कहती हूँ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन डाटा करती हूँ, फहद असलम कोकर, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट डाटा मीनिंग एंड डाटा एनालाइज, व्हाट इज दैट आई हैव ऑफन सीन दिस थिंग ऑफर इन द डाटा एंट्री गिग। आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको यही कहूंगी आप गूगल में सर्च कर लें, और क्या कहते हैं आप गूगल में सर्च कर लें या यूट्यूब पे आप देख लें, तो आपके ज्यादा ज्यादा अच्छा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जो मुझे भी किसी चीज की नहीं समझ आती तो मैं गूगल से ही देखती हूँ। तो अगर मजीद फ्रेंड्स को लाइक होता है कि एग्जैक्टली हमें डाटा कि कैसे सीखना है, तो आप प्लीज यूट्यूब पे सर्च करें जो भी आपके स्किल्स हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है लेकिन आपके पास फिर भी स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है, तो आप उसमें यूट्यूब पे आप उसको वॉच करें, तो आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन से स्किल्स हैं। डाटा एंट्री उनको सजेस्ट करती हूँ जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स नहीं है लेकिन वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो कर लें। लेकिन जो ऑलरेडी डिफरेंट स्किल्स हैं मोर देन डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग ही लाइक बोर्ड्स में जो लिखते हैं बहुत इजी होता है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, तो फिर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, जीएससी फाउंडेशन में वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, वो मैंने किया हुआ है लेकिन अभी मैंने इम्प्लीमेंट हाफ किया हुआ है, इसलिए मैंने उसका काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे स्किल है मेरे पास। तो आप जब डाटा एंट्री से बोर हो जाओ तो आप दूसरा स्किल होगा तो आप उसमें ज्यादा पैसे बना सकते हैं। डाटा एंट्री में ये कि आप उसका स्टार्ट ले सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको लाइक 2-3% हायर करने पड़ेंगे ताकि आपका आपके साथ काम का हेल्प कर सकें। तो जब आपको काम करना आ जाएगा तो आप काम शेयर करोगे तो आप ज्यादा पैसे बनाओगे। जब आप काम शेयर करोगे, अगर आप लोगों के आपको एक एवरी माइंड पर्सन का गोल होता है कि मुझे इतना मेरे काम आ जाए कि मैं अपना ये लोन उठा लूं या मैं कार ले लूं फिर मैं काम शेयर करूंगा, तो आप दैट टाइम अपने आपको लूज कर रहे होते हो। जो काम होगा आपने जिस बंदे ने शेयर करोगे उसको इनफ आपका 100% आपको सपोर्ट हो काम करने की। ऐसा नहीं है कि आप उसको नाइट टाइम करना काम करने के दे और सुबह कर रहा हो रिस्पॉन्स कर रहा हो, ऐसा उसके साथ आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब रिस्पॉन्स दोगे, काम बेशक लेट करोगे लेकिन उसको रिस्पॉन्स दोगे तो फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो जब मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे पास लाइक क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था, तो $25 का काम था, उसने टू टास्क दिए थे डाटा एंट्री में। तो मैंने जो $10 का काम मैंने शेयर किया था, तो मैंने $15 का दूसरा टास्क मैंने किया था, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं उसका काम इतने फास्ट स्पीड में कर दूंगी क्योंकि मैंने सेकंड पर्सन से शेयर किया था। तो उसी क्लाइंट ने मुझे $100 का मुझसे काम दिया था, तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने सीखा कि ऑलवेज काम आप शेयर करो तो ताकि आपके लिए बिजी हो और दूसरे का भी फायदा हो। तो लेकिन जब आप किसी से शेयर करते हो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप मुझे कितने पैसे दोगी या पे कैसे करोगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप ऑन बॉस होते हो, डैट में सबके कहते हैं पैसे कम होते हैं लेकिन आप ये कि सीख रहे होते हो, तो आपने सीखने के लिए आप उसकी पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कि आपने फर्स्ट स्टेप आपने लिया है उसका, तो आप जितने पीपल वॉच कर रहे हैं प्लीज अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें ताकि और भी फ्रेंड्स सीख सके। तो कि जो सारे फ्रेंड्स कहते रहते कि माई इंग्लिश इज पुअर, तो वो भी सीख सके, एक्शन ले सके। तो आप सबको ये कहूंगी जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो अकाउंट में पैसे आने नहीं शुरू हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग स्किल में ऐसा ही होता है कि जब आप इंप्लीमेंट करते हो
तो पैसे आते हैं क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ आपको प्रोफाइल बनाना बतानी है कि कैसे बनानी है, आपने बात कैसे करनी है। अगर आपके ग्रामर का प्रॉब्लम है तो उसमें ग्रामर यूज करना बताया गया है कि आपने कैसे करनी है। अगर आप शेर मजीद फाइवर पे काम नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे काम डायरेक्ट आए, ज्यादा पैसे मिले, तो आपको उसमें बताया गया है कि आपने फ्रीलांस में काम कैसे करना है। तो जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके न, न, पैसे नहीं मिलेंगे। तो फ्रीलांस में ये फायदा होता है कि आप ऑन बॉस होते हैं, आप 24/7 एनी टाइम आप कर लो, क्योंकि आपने क्लाइंट से सिर्फ बात पॉइंट टू पॉइंट की, आपने काम ले लिया, उसको प्रॉमिस कर लिया 2 डेज में या 3 डेज में उसका काम है मैं करूंगा, उसका काम मैं डिलीवर करूंगा। अगर आपने 2 डेज में कोई इश्यू आ गया तो आप उसको बता सकते हो। अगर प्लीज अपने देख रहे हैं आप अकेले ही वॉच करें, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, क्योंकि क्या पता कि आपसे भी ज्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनके पास स्किल्स हों, लेकिन उसको से आपके शेयर करने से उसके वो सीख ले, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें तो ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि जो फ्री का जो नॉलेज होता है तो आप शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे कि मैंने भी सीखा है, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से मैंने लर्न किया है, तो मैंने किया है, मैं गिव बैक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कैमरे के सामने बैठने का आसान नहीं है कि मैंने सीखा है, मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग काम करना सीखा है तो काम लाइव आना है, मैंने खुद से हिम्मत की है, मैंने मैंने सबको लाइव आते देखा, तो फिर मैं कोशिश करती थी कि अगर ये कर सकते हैं तो लाइव कर सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ। तो ऑनलाइन जो है जैसे मैं बता रही थी कि ऑनलाइन में काम कैसे करती हूँ, लाइक जो कंप्यूटर पे MS Excel MS Word की अटैचमेंट होती है वो मैं यूज नहीं करती, मैं जीमेल और हॉटमेल दोनों में है, उसका ड्राइव्स में है फाइल है, लाइक गूगल भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट है जो यूज करते हैं तो वो भी है। तो जब आप जीमेल या हॉटमेल लॉगिन करते हो तो उसके जीमेल के नाम के साथ ही एप्स लिखा होता है, तो एप्स को क्लिक करोगे उसमें ड्राइव होगा, जब उसके अंदर ड्राइव आप क्लिक करोगे तो फिर आप नई प्रोफाइल बना सकते हैं, आप उसमें अपना जो काम आप कर रहे हैं उसका नाम रख लें, आप वो टास्क अपने लिए भी सेव कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर लाइक एज यू नीड, तो आप इसमें सेव करेंगे तो फिर आप इसमें काम करना शुरू कर दें तो आप एनी वेयर होंगे तो आप इसमें डाटा एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी से शेयर करोगे तो उसमें शेयर में आता है कि पर्सन के आप ईमेल राइट साइड के नाम पे शेयर का क्लिक आ रहा था, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो वो शेयर नहीं होगी, क्लिक करने से शेयर नहीं हो जाएगी, तो उसमें आपने ईमेल डाली होती है, तो अगर आपने ईमेल नहीं है पर्सन की जो डिफरेंट ईमेल है तो शेयर करना एडवांस सेटिंग होती है, तो उसमें कहते हैं हु कैन शेयर हुआ दिस लिंक, दिस लिंक के तो उसमें फिर आप एक और सेटिंग होगी कि वो जिस पर्सन से आप शेयर कर रहे हैं वो एडिट भी कर सके, तो वो भी चॉइस आप उसके लिए कर दें। अलग किस्म होती है व्यू ओनली, एडिट ओनली, वन मोर ऑप्शन होगी, तो आप उसके एडिट ऑप्शन करें तो सेम टाइम आप उसी शीट में सेम टाइम 2 पर्सन काम कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं, आपने किसी से शेयर किया है वो भी काम कर सकता है, तो कोई भी मिस्टेक होगी तो उसमें करेक्ट करना आसान हो जाएगी, आप जो ईमेल में अटैचमेंट करने उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसका लिंक देंगे तो आप उसके साथ शेयर कर देंगे, तो बल्कि बहुत इजी है। तो और भी किसी के पास क्वेश्चन है तो जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि इनके यूरोनॉमी, माय नेम इज फरजाना कौसर, आई वर्क एज ए डाटा एंट्री ऑन फाइबर अर्निंग ऑनलाइन सक्सेसफुली, सो टुडे आई एम विद यू फ्रॉम ब्रांटफोर्ड ऑन्टारियो टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन अर्निंग एवरी मंडे एट 12 AM पाकिस्तानी टाइम एंड इस 3 PM, सो
Yeah. By the way, if you have any question, please post here. I will be reading and try to answer as many as I can today. Otherwise, make it next week. So please, I continue always remember sharing is caring. So please share this your profile. That's your friend can join as well. If you like my answer to your question, please tag your best friend so that your friend can learn, earn online earning as well with you. So आज आप लोगों ने क्वेश्चन किए तो हाफ एन आवर क्या मुझे टाइम का पता नहीं चला है मैं दूसरी स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और टाइम देखकर 30 मिनट हो गए सो ऑलवेज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फेसबुक लाइव एंड लुकिंग फॉर वी नेक्स्ट वीक ऑन मंडे एट 12 AM पाकिस्तानी टाइम एंड ईस्टर 3 PM Please remember to share your profile and turn on notification that your Facebook can notify when I'm online. So, जिनके question है?